हेलो गाइस, वेलकम टू सेलेब चिटचैट विद मन्नू। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको तलाश जान की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सच बताने वाली हूँ जो आपको शायद ही पता हो। आई होप आपने तलाश जान का नाम सुना ही होगा। एक टाइम ऐसा आया था कि तलाश जान की काफी सारी वीडियोस टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी और वो कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और हर जगह केवल उन्हीं की खूबसूरती के चर्चे किए जा रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सच आप लोगों को बताने वाली हूँ जो अभी तक आपको शायद ही पता होंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तलाश जान का रियल नेम तलाश जान नहीं बल्कि तलाश महक है। उनका नाम तलाश जान तब पड़ा जब वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और वो काफी बड़ी डांसर बन चुकी थी, जिसके बाद लोग उन्हें तलाश जान के नाम से जानने लगे। तलाश जान पाकिस्तान के फैजलाबाद के झंग इलाके से हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा वो हुआ करती थी। तलाश जान के पिता राशिद खान साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं और तलाश जान काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तलाश जान एक किन्नर है, ये सच उनकी फैमिली को जन्म से ही पता था, पर उन्होंने ये सच काफी लंबे समय तक सारे समाज और किन्नरों की बाकी टोलियों से छुपाए रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बच्ची या उनका बच्चा उन्हीं के साथ रहे। तलाश जान ने अपने 10th तक की पढ़ाई घर पर रहकर की, क्योंकि उनकी फैमिली बाहर स्कूल जाना उन्हें अलाउड नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो किन्नरों की टोली उनको ले जाए, इस चीज का खतरा उनके पेरेंट्स को लगा रहता था। इसीलिए उन्होंने सारी की सारी फैसिलिटीज उन्हें घर पर ही प्रोवाइड कराई और घर से ही उनकी 10th तक की पढ़ाई कम्प्लीट की। उनकी फैमिली ने भले ही काफी टाइम तक ये सच छुपाया हो, क्योंकि वो अपने बच्चे या बच्ची से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर हो, पर फिर भी एक टाइम ऐसा आया कि सच सबके सामने आ गया और किन्नरों की टोली को ये चीज पता लग गई और वो उनके घर पर आए और उन्हें अपने साथ ले जाने की मांग करने लगे। हालांकि शुरुआत में तलाश की फैमिली ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, काफी ज्यादा हाथ पांव जोड़े और काफी ज्यादा कोशिश की कि तलाश उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनकी बच्ची या बच्चा उनसे दूर रहे। और तलाश जान की फैमिली को पता था कि वो किन्नर है, पर उसके बावजूद भी वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि यहाँ पर सवाल बच्चे का है, ना कि किन्नर या किसी और चीज का। लेकिन फिर भी किन्नरों ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी और वो केवल इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो अपने साथ इनको लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो आपके साथ रहने के लिए नहीं बनी है बल्कि हमारे साथ रहने के लिए बनी है और ये हमारे साथ ही खुश रहेंगी। पेरेंट्स के काफी मना करने के बावजूद भी किन्नरों की टोली ने काफी ज्यादा हंगामा किया और जिससे ये सच सभी को पता लग गया, जिसके बाद वो उन्हें अपने पास नहीं रोक पाए और उन्हें मजबूरन तलाश को उनके साथ भेजना पड़ा। जब शुरुआत में तलाश ने किन्नरों की टोली को ज्वाइन किया एज अ किन्नर, उस दौरान तलाश को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। तब जैसा कि हम सभी जानते हैं गाइस, किन्नरों में जो टोली होती है उसमें एक उस्ताद हुआ करते हैं इनके, तो उसी दौरान किन्नरों की टोली के उस्ताद ने तलाश को डांस की ट्रेनिंग देना शुरू किया और तलाश को डांस में एकदम परफेक्ट कर दिया। वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल डांस करती हैं। जब तलाश ने शुरुआत में पाकिस्तान की पार्टीज और शादी में डांस करना शुरू किया था, उस दौरान उन्हें फैंस का सपोर्ट नहीं मिला था। उस दौरान उनके डांस को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया गया था और तलाश को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। पर आज ये टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान की कोई भी शादी या पार्टी तलाश जान के डांस के बिना अधूरी मानी जाती है और उनके चर्चे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तलाश जान को दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर माना जाता है और तलाश जान की महीने की कमाई लाखों में होती है। जब शुरुआत में तलाश ने किन्नरों की टोली को ज्वाइन किया तो उनको अपनी लाइफ काफी ज्यादा बुरी लगने लगी थी और वो ये लाइफ जीना नहीं चाहती थी, जैसा कि किसी को भी लगेगा गाइस, क्योंकि वो अपने घर पर रहा करती थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, पर मजबूरन उन्हें किन्नरों की टोली ज्वाइन करनी पड़ी थी। पर एक टाइम ऐसा आया कि वो इतना ज्यादा घुल मिल गई इन सब लोगों के बीच और वो अपने काम को इतना ज्यादा पसंद करने लगी कि अब उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और वो काफी ज्यादा खुश है और अपनी जिंदगी से उन्हें इस दौरान कोई भी शिकायत नहीं है।
कहीं कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मैटर के बारे में, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।